हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद अकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन चैप्टर नंबर 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठें ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द पोएम। कविता में किन सुंदर वस्तुओं का वर्णन किया गया है? तो आंसर है हमारा, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर द सन, द मून, ट्रीज, सीप, डेफोडिल्स, मस्क रोसेस, ग्रीन वर्ल्ड, क्लियर स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट एंड डीड्स ऑफ आर नोबल एंसेस्टर्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं उनका एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है मस्क रोसेस। मस्क रोसेस का मतलब होता है कस्तूरी। उसके बाद है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। तो कविता में सूर्य, चंद्रमा, पेड़, भेड़, डैफोडिल के फूल, खुशबूदार गुलाब, हरी भरी दुनिया, साफ पानी की नदियाँ, घने जंगलों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि ने हमारे पूर्वजों के महान कामों को भी सुंदर कहा है जिनके बारे में हमने पढ़ा और सुना है। हमसे पूछा गया था, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंसनड इन द पोएम। आंसर, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंसनड इन द पोएम आर द सन, द मून, ट्रीज, सीप, डेफोडिल्स, मस्क रोसेस, ग्रीन वर्ल्ड, क्लियर स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट एंड डीड्स ऑफ आर नोबल एंसेस्टर्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन वस्तुओं के बारे में बताइए जो दुख और परेशानियों का कारण होती हैं। तो आंसर है हमारा, द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन आर डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ग्लूमी डेज, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस एंड इल डेथ। इसमें भी जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं उनका मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा। उसके बाद है हमारा एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है आपका विपरीत। उसके बाद है सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है आपका परिस्थितियाँ। तो जो वस्तु परेशानियाँ और दुख का कारण होती हैं वे हैं निराशा, उदासी, अवसाद भरे दिन, विषम परिस्थितियाँ और खराब स्वास्थ्य। हमसे पूछा गया था, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। आंसर, द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन आर डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ग्लूमी डेज, एडवर्स सर्कमस्टेंसेज एंड इल डेथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वॉट डज द लाइन देयरफॉर वी आर ब्रीदिंग अ फ्लोवरी बैंड टू ब्लाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट। ब्रीदिंग का मतलब होता है माल्यार्पण करना। इस पंक्ति, इसलिए हम पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए फूलों के बंधन गूंथते हैं, से क्या आशय है? तो हमारा आंसर है, द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ सफरिंग। यह संसार दुखों से भरा है। दिस लाइन सजेस्ट दैट एवरी मॉर्निंग बी कनेक्ट टू नेचर, सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ डेस्पाइट ऑल द सैडनेस बी हैड एक्सपीरियंस्ड द प्रीवियस डे। यह पंक्ति हमें बताती है कि हर सुबह हम प्रकृति से जुड़ते हैं, पृथ्वी की सुंदरता देखते हैं, चाहे पहले दिन हमने कितना ही दुख भरा अनुभव किया हो, यह सब हमारे चारों तरफ फैली सुंदरता के कारण होता है। हमसे पूछा गया था, वॉट डज द लाइन देयरफॉर वी आर ब्रीदिंग अ फ्लोवरी बैंड टू ब्लाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट। आंसर, द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ सफरिंग, दिस लाइन सजेस्ट दैट एवरी मॉर्निंग बी कनेक्ट टू नेचर, सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ डेस्पाइट ऑल द सैडनेस बी हैड एक्सपीरियंस्ड द प्रीवियस डे। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है माल्यार्पण करना। उसके बाद है डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। तो इतनी सारी परेशानियों और कष्टों के बावजूद भी इंसान जिंदगी से क्यों प्यार करता है? आंसर है हमारा, ब्यूटिफुल थिंग्स ब्रिंग्स अस पीस। सुंदर वस्तुएं मन में शांति लाती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द सफरिंग ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर फेड्स एंड हेल्प्स अस टू रिमूव द ग्लूम एंड फियर ऑफ सफरिंग एंड डेथ फ्रॉम आर लाइफ्स।
इतने सब कष्टों के बाद भी सुंदरता या सुंदर वस्तुएं कभी भी समाप्त नहीं होती और यही हमारे दुखों को खत्म करने और मृत्यु का डर हमारी ज़िंदगी से निकालने में मदद करती हैं। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है सफरिंग, तो सफरिंग का मतलब होता है कष्ट। उसके बाद है आपका फेट्स, फेट्स का मतलब होता है फीका पड़ना। तो हमसे पूछा गया था वॉट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, आंसर ब्यूटिफुल थिंग्स ब्रिंग्स अस पीस इन स्पाइट ऑफ ऑल द सफरिंग, ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर फेड्स एंड हेल्प्स अस टू रिमूव द ग्लूम एंड फियर ऑफ सफरिंग एंड डेथ फ्रॉम आर लाइफ्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई इज ग्रैंडर एसोसिएट विद द माइटी डेड, तो शक्तिशाली मृत लोगों के साथ महिमा शब्द क्यों जुड़ा है। आंसर है हमारा ग्रैंडर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज ग्रेट मैन हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर देयर नोबल डीड्स। महिमा शब्द शक्तिशाली मृत लोगों के साथ जुड़ा है क्योंकि इन महान लोगों में अभूतपूर्व साहस था। देयर इज नो डाउट दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी फॉर अस टू इन्जॉय, वे अपने द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने हमारे लिए वसीयत में अच्छी ज़िंदगी छोड़ी है। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है ग्रैंडर, ग्रैंडर का मतलब होता है आपका शान। उसके बाद है एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है आपका संबंध होना। उसके बाद है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। उसके बाद है लीगेसी, लीगेसी का मतलब होता है विरासत। हमसे पूछा गया था व्हाट इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ग्रैंडर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज ग्रेट मैन हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट दैट दे विल बी रिमेंबर्ड फॉर देयर नोबल डीड्स। देयर इज नो डाउट दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी फॉर अस टू इन्जॉय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? पृथ्वी की उन्मुक्त सुंदरता का वर्णन करने के लिए कवि ने किस प्रतिरूप का इस्तेमाल किया है? आंसर है हमारा To describe the beautiful bounty of the earth, the poet uses these lines. पृथ्वी की उन्मुक्त सुंदरता का वर्णन करने के लिए कवि ने निम्न पंक्तियों का इस्तेमाल किया है An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven brink. अमर पेय अर्थात अमृत का अनंत प्रवाह जो कि स्वर्ग के किनारे से हम पर बरस रहा है। He says the earth like a fountain pours unto us numerous beautiful sights like the sun, the moon, flowers, rivers and forest. कभी कहता है कि पृथ्वी एक फव्वारे की तरह हम पर खूबसूरत दृश्यों जैसे सूर्य चंद्रमा फूल नदियां और वनों का निरंतर प्रभाव कर रही है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुआ है इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमर। तो हमसे पूछा गया था व्हाट इमेज डज द पोर्ट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ, आंसर टू डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ द पोर्ट यूजेज दिस लाइन्स एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heaven brink. He says the earth like a fountain pours unto us numerous beautiful sights like the sun, the moon, flowers, rivers and forest. उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है What is the message of the poem A Thing of Beauty? A Thing of Beauty कविता के द्वारा हमें क्या संदेश प्राप्त होता है? तो आंसर है हमारा The poem convey the message that A thing of beauty is a joy forever. यह कविता यह संदेश देती है कि सुंदर वस्तु सदा ही आनंद देती हैं। The poet John Keats is a lover of nature. कवि John Keats प्रकृति प्रेमी हैं। उसके बाद है He urges men to realize the powers of nature and make life enjoyable and worth living. वह मनुष्यों से आग्रह करता है कि प्रकृति की शक्ति को पहचाने और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा और मज़े से रहने योग्य बनाएं। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उनका मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है अर्जेस, तो अर्जेस का मतलब होता है आग्रह करना। उसके बाद है इंजॉयबल, इंजॉयबल का मतलब होता है सुखद। उसके बाद है कन्वे, कन्वे का मतलब होता है आपका सूचित करना। हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आंसर है द पोएम
कन्वे द मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर द पोट जॉन कीट्स इज अ लवर ऑफ नेचर ही अर्जेस मैन टू रियलाइज द पावर ऑफ नेचर एंड मेक लाइफ एंजॉयबल एंड वर्थ लिविंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट लवली टेल्स हैव बी रीड और हर्ड, हमने कौन सी अच्छी गाथाएं पढ़ी या सुनी हैं? तो आंसर है हमारा वी हैव रीड और हर्ड अबाउट द टेल्स ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेट वॉरियर्स फॉर देयर सेल्फलेस वर्क देयर ग्रैंड डीड्स हैव मेड देम इमोर्टल। हमने महान योद्धाओं के बलिदान और शौर्य पूर्ण कार्यों की गाथाओं के बारे में पढ़ा और सुना है जिसमें उन्होंने निस्वार्थ भाव से कार्य किए हैं, उनके महान कार्यों ने उन्हें अमर बना दिया है। इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं एक एक करके मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बलिदान देना। उसके बाद है इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमर। उसके बाद है आपका वॉरियर, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। उसके बाद है हीरोइक, हीरोइक का मतलब होता है वीर रस। हमसे पूछा गया था व्हाट लवली टेल्स हैव बी रीड और हर्ड, आंसर है वी हैव रीड और हर्ड अबाउट द टेल्स ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेट वॉरियर्स फॉर देयर सेल्फलेस वर्क देयर ग्रैंड डीड्स हैव मेड देम इमोर्टल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।